एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ मैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज के वीडियो में मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पर मैं टीवी देखती जा रही हूँ और मैं कुछ बना रही हूँ आज रेसिपी, तो मैं वो भी शेयर करूँगी। जिसके लिए मैंने यहाँ पर आलू को मैं अच्छी तरह से घिस रही हूँ और इसको आलू को घिस रही हूँ। और मैंने आज जो मुझे सब्ज़ी बनानी है वो भी मैंने यहाँ पर कट कर ली है। और अच्छी तरह से देखिए मेरे आलू जो हैं वो घिस चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने पानी डाल दिया है और इसको मैं अच्छी तरह से निचोड़ कर एक कटोरे में रख लूँगी। धोकर दो तीन बार धोने हैं तो ध्यान रखिएगा। तो मैंने यहाँ पर अच्छी तरह से धो लिए हैं, उसके बाद फिर से मैं धो लूँगी। इस तरह से मैं दो या तीन बार आराम से धो लूँगी। ये सेकंड बार धो रही हूँ, तो अच्छी तरह से आपको भी धोने हैं इसी तरीके से। आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, जो मैं हमेशा भूल जाती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए आते हो मेक श्योर प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और प्यारे प्यारे कमेंट करिएगा। क्योंकि एक दो लोग हैं ना जो मुझे है ना दो तीन दिन से काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। मैं एक आईडी से ब्लॉक कर देती हूँ तो दूसरी से आ जाते हैं। तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि बुरे लोग जहाँ होते हैं वहाँ अच्छे भी होते हैं। तो अच्छे अच्छे लोगों का मुझे सपोर्ट चाहिए, तो प्लीज़ मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वो लोग कमेंट करके बोल रहे हैं मेरे से कि तुम्हारे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, तुम्हारे व्यूज़ डाउन है। तो प्लीज़ आप लोग अपनी भी ताकत दिखाइए, सब्सक्राइब करिए, दिखा दीजिए। अच्छे लोग भी होते हैं दुनिया में, बुरे लोग ही नहीं हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और ऐसे लोगों का मुँह तोड़िए। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ तोरई की सब्ज़ी और मैंने तोरई को देख के आप लोगों के सामने छील लिया था। तो यहाँ पर मैंने रख दिया कढ़ाई और मैं इस गैस को जला दूँगी और मस्टर्ड ऑयल मैं डाल दूँगी। और यहाँ पर ये जो मस्टर्ड ऑयल है वो हम लोगों के घर के सामने ही बनता है, मतलब निकलता है सरसों से। तो मैंने यहाँ पर डाल दी है मस्टर्ड ऑयल और कढ़ाई को मैंने रख दिया है। गैस गर्म हो जाएगा वैसे ही मैं इसमें मसाले ऐड कर दूँगी। तो देखिए ये गर्म हो चुका है, मेरे जो भी मसाले थे वो सूखे, इसमें मैंने हींग, जीरा, हल्दी, हरी मिर्च और थोड़ी एक रेड चिली डाली हुई है। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दी है तोरई जो मैंने कट करके वॉश करके रखी हुई थी। और तो यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से कट करके डाल दी है और अभी मैं इसे ढक दूँगी थोड़ी देर के लिए ताकि ये पटक जाए, मतलब पटकना बोलते हैं। अब मैंने यहाँ पर डाल दिए मसाले, जैसे कि रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला। और इसमें इस तरह से डालने के बाद अब मैं डाल दूँगी थोड़ा सा नमक और ये मेरी सब्ज़ी थोड़ी देर में बन के रेडी हो जाएगी। इसमें पानी नहीं डालते हैं, ये बिना पानी के पानी छोड़ जाती है, आप लोगों को जैसा कि पता ही होगा। और अगर आप कुछ गीली बनाना चाहते हो थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हो। तो ये है मेरे आलू जो मैंने घिस के रखे हुए थे। तो मैंने यहाँ डाल दिया 2 से 3 चम्मच बेसन। अब मैं यहाँ पर डाल दूँगी थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर। आप अपने अकॉर्डिंग रखिए कि आपके पास कितने आलू हैं। फिर से धनिया पाउडर डाल दिया है मैंने। और इसके बाद मैं यहाँ पर मैं डाल दूँगी थोड़ा सा गरम मसाला। और इसके बाद यहाँ पर अच्छी तरह से मैं मिला लूँगी और बेसन को अच्छी तरह से। और मैं यहाँ पर एक छोटी सी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि इस तरह से आप क्या बना सकते हो। पकौड़े नहीं बना रही हूँ मैं यहाँ पर, पकौड़े आप लोगों ने देखे हैं काफ़ी लोग बना लेते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर तवे पर एक रेसिपी बनाऊंगी। जस्ट एक टिक्की टाइप होगी, पर टिक्की होती है उसमें आलू बॉयल यूज़ करते हैं, मैंने आलू बॉयल नहीं करे। तो मुझे यहाँ पर बेसन कम लग रहा था तो मैंने बेसन और डाल दिया है और मैंने नमक बाद में डाला है। नहीं तो नमक अगर पहले डाल दो तो ये जो आलू है ना वो है ना पानी छोड़ने लगते हैं, तो नमक मैंने बाद में डाला था। तो यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से डोसा बना लिया है, ये अच्छी तरह से मिल गए हैं। अब मैं चलूँगी प्रोसेसिंग की, पकाने की प्रोसेसिंग की तरफ। तो मैंने तवे पे डाल दिया था थोड़ा सा तेल और अब देखिए मैं गोल गोल टिक्की बनाकर इसमें रखती जाऊंगी ताकि ये जो मेरा ये टिक्की बन जाए। ये आलू की टिक्की टाइप है लेकिन ये कच्चे आलू की हैं, वो बॉयल आलू की बनती है और ये बहुत ज़्यादा यमी बने थे। ऐसे पकौड़े से ज़्यादा ये वाले यमी बने थे। आप लोग पकौड़े खाते हैं जो कि डीप फ्राई करते हैं, बट ये रेसिपी मैंने खुद से अपने दिमाग लगा कर बनाई है। तो आप लोग भी फिर ट्राई करिएगा, बहुत अच्छी बनती है। थोड़ा सा टाइम लगेगा पकने के लिए, आप चाहें तो इसे कढ़ाई में भी तल सकते हैं कढ़ाई में, लेकिन मैंने यहाँ पर तवे का यूज़ किया, तवे से बहुत अच्छे बने थे। तो यहाँ पर मैंने सारे बिछा दिए हैं और अब मैं इसे थोड़ा थोड़ा करके पलटते जाऊँगी। पलट पलट के इसे सेकना है हम लोगों को। और अभी मैं थोड़ा सा पलटने पर मैं यहाँ पर है ना इसमें तेल भी डालूँगी बीच में, ताकि ये जो मेरे ये टिक्की हैं वो अच्छी तरह से पकें। और ये मैंने सारी पलट ली हैं। ट्राईपॉड की वजह से मुझे काफ़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ट्राईपॉड यहाँ पर रखा हुआ रहता है तो मुझे है ना पलटने में या सब्ज़ी आप लोगों को दिखाने में है ना थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है।
तो यहाँ पर देखिए मेरी थोड़ी थोड़ी सी पक गई है। उसके बाद अब मैंने यहाँ पलट दिया है और अब मैं थोड़ा सा बीच में डालूँगी मस्टर्ड ऑयल ताकि ये चिपके ना एक दूसरे से मिल जाए। और उसमें भी डालते हैं हम लोग रिफाइंड से बनाते हैं या किसी से बनाते हैं, तो इसे मैं पकने दूंगी और पकने के बाद मैं इसे थोड़ा सा क्रंची कर लूँगी। आप इसमें हरी मिर्च, प्याज, शिमला मिर्च ये सारी चीज़ें भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास हरी मिर्च तो थी तो मैंने हरी मिर्च यहाँ पर डाली हुई है, बट मैंने प्याज वगैरह नहीं डाली है। तो आप लोग भी ऐसे बना सकते हैं लॉकडाउन में सिंपल सिंपल सी रेसिपी और घर में इंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरी बन के रेडी हो चुके हैं ये पकौड़े और मैंने यहाँ पर डाली है ग्रीन चिली पाउडर। और देखिए ये मेरे बन के कितने क्रिस्पी लग रहे हैं और ये खाने में भी बहुत अच्छे लगे थे। तो आप लोग भी खा लीजिए, ये मेरी थोड़ी सी रेसिपी शेयर थी। आई होप आपको आज का मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। आज मेरी पूरी वीडियो को वॉच करिएगा, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात करी है, तो स्टार्ट से एंड तक देखिएगा मैं क्या बात कर रही हूँ। तो चलिए मैं अब एंड करूँगी, आप लोगों से इवनिंग में बात। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ मैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज के वीडियो का एंड मैं कर रही हूँ। एक्चुअली मैं हमारे जो कॉलोनी में है ना, सभी लोग अंताक्षरी खेल रहे हैं, तो मैं भी सोचा लाओ मैं खेल मतलब वहीं पर थी, तो मैंने सोचा लाओ आप लोगों से बातें कर लेती हूँ। बर्तन थोड़े से रखे हुए हैं, उनको भी साफ़ करना है। दियो को मैं दूध दे चुकी हूँ और दूध भी दे चुकी हूँ और ख़ुद भी पी चुकी हूँ मैं दूध। तो यही है, और मैंने सोचा कि आज का व्लॉग एंड कर देती हूँ। तो सबसे पहले मैं कुछ लोगों के नाम लूँगी जो कि मेरे, मैं सबसे पहले उज़्मा मस्जिद का नाम लूँगी जिनकी एनिवर्सरी थी और उनको मैं विश नहीं कर पाई। कुसुम बुद्धा का नाम लूँगी। सो थैंक यू मेरे लवली सब्सक्राइबर हैं, ये मेरा हमेशा सपोर्ट करते हो, मेरे जेन्यून सब्सक्राइबर हैं, तो उनका मैं नाम लूँगी। और कुछ लोगों का नाम लूँगी, नेहा शर्मा। नेहा शर्मा बोल रही है मतलब मेरी थोड़ी सी तबीयत सही नहीं है। एक्चुअली मैं क्या है, यहाँ पर है ना मौसम चेंज हो रहा है, कभी सर्दी, आज बहुत जोर से बारिश हुई है तो सर्दी सी हो जाती है, कभी गर्मी कभी सर्दी गर्मी, तो मेरी तबीयत सही नहीं है। और मैं सोच रही हूँ अपनी बहन को बुला लूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरी मायका जस्ट यहीं पर है, 5 मिनट की रास्ता है बाइक से जाओ तो। और हमारे यहाँ COVID-19 का कोई भी पेशेंट नहीं है, हमारा ग्रीन जोन है तो नहीं है। तो बस मैं यही बोलूँगी कि मैं अपनी बहन को बुला लेती हूँ कुछ दिन के लिए। वो भी अभी घर पर ही है, तो पता चले वो आएगी तभी तो, उसका मन नहीं लगता यहाँ पर। एक तो एक्चुअली में ये बात है, उसका मन नहीं लगता, बट मैं कोशिश करती हूँ अगर वो आती है तो ठीक है और नहीं आती है तो ठीक है। और तो देखती हूँ मैं, और मुझे कुछ लोगों के नाम लेने थे तो मैं नाम ले लेती हूँ जस्ट कुछ लोगों के। और तो सबसे पहले मैंने नेहा शर्मा का रिप्लाई कर दिया, कोई खुशखबरी नहीं है बट थोड़ी तबीयत सही नहीं है। और ANM यार इन सबको छोड़ो, अपनी लाइफ पे ध्यान दो। मैं अपनी लाइफ पे ही ध्यान दे रही हूँ डियर, मैं बहुत अच्छी हूँ और खुश रहती हूँ, कोई टेंशन नहीं है मुझे, और जो होगा अच्छा होगा और अच्छा हो भी रहा है। शिवांगी अमित गुप्ता, लाइक डन एंड फुल वॉच, वंडरफुल वीडियो, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू सो मच। और फन विद मदर एंड डॉटर, जैसे कि आप लोगों को पता है कि एक प्रेग्नेंट विच मतलब कुतिया को एक लेडीज़ ने बहुत बुरी तरह से मारा है, जिस मेरे चैनल पे भी आती हैं ऐसी गंदी औरतें, जैसे है उर्मी तिवारी, वो एक वाहियत औरत से भी गिरी हुई बहुत ही जाहिल और गवार औरत है, जो कि मेरे डेली, मैं उसको इग्नोर करती हूँ लेकिन डेली वाहियत औरत कमेंट करके जाती है मुझ पर। और तो ऐसी ही औरत होती हैं जो वो अप्रैल के साथ हुआ है ना, उसमें वो मानसिकता वाली और ये मानसिकता वाली सेम औरत है, ठीक है। मैंने आप लोगों के लिए न्यू करा, मैंने अपने वॉलेट कलेक्शन दिखाया आपको, लेकिन उस पर इतने कम व्यूज़ आए ना जिसका कोई मुझे जवाब, इतना बुरा लगा। मतलब कुछ आप लोग बोलते हो कुछ नया करो कुछ नया करो कुछ नया करो, तो आप लोग देखते नहीं हो, तो कितनी गुस्सा आती है ना। और इन ऐसी लेडीज़ों को तो सिर्फ ये चुगली वाली वीडियोज़ ही पसंद आती हैं। जो अभी शर्मा, गीतिका मल्होत्रा, दीप्ति से मैं यही बोलूँगी, मैंने नया किया था तो आपने देखा नहीं, और अब आप कह रही हो कुछ नया करो, कुछ नया मैं क्या करूँ, ये भी तो कमेंट करके बताया करो कुछ नया करो, नई मैं क्या करूँ। नीलम कनौजिया, हरियाणवी गर्ल, हाय डियर, आप भी रोस्ट वीडियो बनाओ। मैं सोचती हूँ रोस्ट वीडियो बनाऊँ, बट क्या है ना कि मैंने कभी बनाई नहीं है तो थोड़ा सा मुझे वो नहीं है। और हाँ, मेरे भाई का चैनल है रोस्ट वीडियो का, वो रोस्ट वीडियो बनाता है,
तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लस कमेंट सेक्शन में दे दूंगी, आप लोग जाकर उसके चैनल को विजिट करिएगा। अगर आपको उसकी रोस्टिंग अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और दिल से खाना फॉर यू, वाह दी यू, इतनी लिपस्टिक मैं नहीं लगाती, मैं भी नहीं लगाती हूँ, कहीं जाती हूँ तभी लगाती हूँ, अभी घर पे हूँ तो बिल्कुल नहीं दिखेगी आपको, न सुबह शाम कभी। आप कोई रिव्यू वीडियो बनाऊँगी तो दिखेगी। जिन्हें दूसरों की औरतों पर नज़र होती है, चाहे अपने घर पे कितनी भी मार खा लें अपने घर पे, और चाहे इनकी औरतें इनको घर से छोड़ के चली जाएं, और चाहे ये इन्हें औरतों घर से बाहर निकाल दें, है ना, लेकिन इनको दूसरों की औरतों में, एक कुछ औरतें होती हैं जो दूसरों के आदमियों में नज़र रखती हैं, आपने कुछ लेडीज़ें देखी होंगी आस पड़ोस में जिनको ये सब कुछ पता रहता है, जिनको सब कुछ पता रहता है कि हमारे पड़ोस में, हमारे पड़ोस के जो लेडीज़ रहती है उसका आदमी क्या कर रहा है, कितने बजे आ रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ऐसे होती है ना कुछ लेडीज़ हैं उसमें, कि ये भी उसमें होते हैं, मैं ये नहीं हूँ, कुछ होते हैं जिनको दूसरों की औरतें क्या कर रही है ये सारी बातें पता रहती हैं। वो औरत वहाँ घूमने गई थी, अरे बाकी बहू तो ऐसे करवे गई, बाकी बहू देख मम पे बाजार में घूम रही, बाकी बहू की बाकी पति से ना बन रही, ऐसे करके कुछ लेडीज़ें होती हैं, कुछ आदमी भी होते हैं। तो उसमें कि हमारे, मेरे पास एक कल कमेंट आया तो मैंने सोचा यार इनकी इनके आदमी, इनके औरत ने इनके साथ क्या करा होगा, क्या ये औरत के साथ रहते होंगे, और क्या, मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आए। मुझे तो ऐसा लगता है, इनका नाम है हर्ष नकदी, तो इनका ना मुझे तो ऐसा लगता है कि इनकी औरत ने या तो इनको निकाल दिया है, क्योंकि इनकी आदतें ऐसी हैं कि दूसरों के औरतों में ये घुसते हैं। जब दूसरों की औरत में तुम घुसोगे तो तुम्हें ऐसा ही होगा, तुम्हें तुम्हारी खुद की औरत निकाल देगी ना। कुछ आदमी होते हैं बा के घर में जी, और बाकी सास से ना बन रही, बाकी बात से पति से ना बन रही, बाकी बात से ना बन रही जी, उसमें किया तो ये कह रहे हैं निकाल दिया। तो पहली बात तो ये, हर औरत का ससुराल पति से होता है, सास ससुर से नहीं होता, ठीक है। बहुत सारे इंडिया में मोस्टली लोग जितने भी यूट्यूबर्स हैं, एक या दो को छोड़ के सब ससुराल से अलग रह रहे हैं, सब ससुराल से अलग रह रहे हैं, कोई भी सास ससुर के साथ नहीं रह रहा, ठीक है। मैंने एक या दो यूट्यूबर को छोड़ के, मैं सबकी नहीं बोल रही, मैंने कुछ यूट्यूबर देखे हैं जो अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं, लेकिन अदरवाइज सभी लोग अपने अलग रह रहे हैं ससुराल से। इसका मतलब क्या है, सबको ससुराल से निकाल दिया, और ठीक है ना, खुश हूँ ना मैं यहाँ पर, बहुत खुश रहती हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं रहती है किसी भी चीज़ की, डिप्रेशन में नहीं हूँ। वहाँ पर मैं डिप्रेशन में रहती थी, बहुत टेंशन में रहती थी, चेहरा सूजा हुआ था, थायराइड हो गई थी, अभी मुझे कुछ हो जाता तो मेरी बेटी का क्या होता, उससे बेटर मैं यहाँ पर हूँ। तो यही मैं बोलूँगी कि अब तुम दूसरों की औरतों को झांकने से पहले अंकल जी अपनी औरत को देखो, वो तुम्हें कैसा हाल करती हो, तुम हो भी इसी लायक, अगर वो तुम्हें मारती हैं पीटती हैं ना, और या तुमसे वो उल्टा सीधा बोलती हैं, है ना, या तुम्हारे साथ वो कुछ भी गलत करती है, तो इस लायक तुम हो, क्योंकि तुम दूसरों की औरतों में इंटरेस्ट लेते हो, किसकी सास से नहीं बन रही, किसकी ससुर से नहीं बन रही, किस कौन किससे रह रहा है, किसने किसको निकाल दिया, तुम थे साथ, ठीक है, तुम थे नहीं थे ना, और ठीक है ना, निकाल दिया तो वो उनकी मानसिकता है कि वो बहुओं के साथ नहीं रहना चाहती, है ना। मेरी जिठानी भी अलग रहती, इनफैक्ट मेरी सास भी अपनी ददिया सास से अलग रहती थी, है ना, मेरी जो ददिया सास थी उससे मेरी सास अलग रहती थी, ठीक है, उन्हें अकेला रहना पसंद है, चाहे उन्हें सास के साथ भी रहना पसंद नहीं है, उन्हें बहू के साथ भी रहना पसंद नहीं है, ठीक है, वो अपनी लाइफ में खुश है, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको अकेला रहना पसंद है, अपनी अपने टाइम से अपना काम अपने आप से खुद से, और मेरी सास कोई बड़ी बूढ़ी नहीं है, ठीक है, बड़ी बूढ़ी नहीं है वो उल्टा तुम्हारा, तुम जैसे को चार जनों का काम कर देंगी, मुझसे भी हेल्थी हैं वो, और काफ़ी अच्छी हैं, वो ज़्यादा एज की भी नहीं है। बहुत सारे लोग डाइवोर्स दे देते हैं, इसका मतलब ये है कि सारी कमी उनके अंदर है, मतलब वो मर जाए ससुराल में, चाहे उन्हें मार दिया जाए, जला दिया जाए, लेकिन रहेंगे वो ससुराल में, क्योंकि ऐसे आदमी होते हैं ना छिचोरे, नहीं कोई तो छिचोरे भी बोलो ना, तो वो भी शब्द कम है, ऐसे छिचोरे आदमियों की वजह से औरतों को ससुराल में रहना पड़ता है, चाहे वो सास मार दे, चाहे ससुर मार दे, चाहे नंद मार दे, उसको जला दे, काट दे, कुछ भी कर दे, लेकिन वो आवाज़ नहीं उठा पाती, क्यों, क्योंकि ऐसे छिचोरे आदमी नज़र रखते हैं उन पर, है ना, दूसरों की औरतों पर नज़र रखते हैं, उनको गलत काम करते हैं, उनकी गलत हरकतें करते हैं, गलत कमेंट पास करते हैं, तो फिर वो क्या करती है, मजबूरी में चाहे मर जाए, कट जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो रहेंगी वहीं पर। तो भाई मैं तो उनमें से है नहीं, मुझे अगर टॉर्चर मुझे बर्दाश्त नहीं होता तो मैं तो एक्शन लेती हूँ, मुझे टॉर्चर बर्दाश्त नहीं होता, और फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ हूँ, अपनी बेटी के साथ हूँ, चाहे मेरे से मेरी सास मतलब रखे या ना रखे, क्योंकि वो मुझे खिलाने नहीं आ रही, मेरा हस्बैंड मुझे खिला रहा है, मेरी बेटी, मेरा परिवार मुझे खिला रहा है,
तो वो मतलब रखे या ना रखे, मेरी नरद मतलब रखे या ना रखे, मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ मैं मतलब रखती हूँ, वो बड़ी हैं, मैं उनकी रेस्पेक्ट करती हूँ, करती रहूँगी, वो बड़ी हैं, काम पड़ने पर काम भी करूँगी और हेल्प करने पर हेल्प भी करेंगे। मेरे हस्बैंड पूरा पूरा ध्यान रखते हैं उनका, ठीक है, अभी भी वो वहीं पर है। तो सबसे मेन बात मैं यही बता दूँगी कि हस्बैंड मेरे से बटे नहीं है, पहली बात तो ये है ना। और जिस दिन बट जाएंगे ना, तो या तो वो उस घर के रहेंगे या फिर हमारे घर के रहेंगे, एक ही घर के। लेकिन मैं ऐसा करना नहीं चाहती, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि उनको उनको भी माँ बाप की ज़रूरत हो, तो हमें भी उनकी ज़रूरत है। दोनों ही हमारे लिए वैल्यू रखते हैं, मेरे लिए ऐसे मेरे माँ बाप हैं, तो उनके लिए भी उनके माँ बाप हैं। वो यहाँ बेचती हैं, मैं उनका जो भी वो सामान वहाँ बनाती हैं तो मेरे पास बेचती हैं, चाहे वो ननद हो, चाहे वो सास हो, चाहे वो कोई भी हो, यहाँ पर बेचती हैं। परसों उन्होंने कचौड़ी बनाई थी और कुछ और बनाया था, कुछ बनाया था वो छोले, तो यहाँ पर आया था, हमने खाया था खूब। हम उनकी अनरेस्पेक्ट नहीं करते, उनका कोई चीज़ आती हो तो ये नहीं कि भेज दें वापस कर दें, लड़ाई हो गई या कुछ हो गया तो भेज दें, नहीं। जो थी वो एक साल पहले की बात थी, अब एक साल हो चुकी है, अब हम मूव ऑन कर चुके हैं इन बातों से। तो प्लीज़ ये बात अब वहीं ख़त्म करो। तो ये वीडियो मैं यहीं एंड कर देती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल।